सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर पुलिस कर्मियों के साथ देहड़वासियों ने जमकर धक्का मुक्की की। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर सिरसा के थेहड़ को खाली करवाने के आदेश जिला प्रशासन को दिए हैं। थेहड़ है का एरिया है, इसमें लगभग 3500 से 4000 घर हैं मौके पे। जो प्रशासन है या सरकार है, सरकार ने ये आदेश दिए थे भी जो ये थेड़ है उससे जो लोग हैं उनको पहले पुनर्वास किया जाए, उनका पुनर्वास होने के बाद ही उसके बाद ही वहाँ से उनको विस्थापन या प्रस्थान किया जाए। लेकिन जो प्रशासन है या जो पुरातत्व विभाग वाले हैं उन्होंने ना तो आगे कोई जगह का अरेंजमेंट है, ना कोई रहने की व्यवस्था है और लोगों को वहाँ से गधेड़ने की कोशिश की जाए, ज़बरदस्ती उनको उठाया जा रहा है। जो पहले ऊपर वाले थेड़ से जो लोग उठाए गए थे आज भी उनमें से आधे से ज़्यादा लोग किरायों पे या जैसे बेसहारा लोगों की तरह घूम रहे हैं, उनकी भी कोई रहने की व्यवस्था नहीं हुई। उसके बाद ये 3500 घरों को और उजाड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो कि वो 3500 जो आधा शहर है वो आखिर इतना शहर जाएगा कहाँ पे? हमें यहाँ पे रहते हुए लगभग 50 साल हो गए, मेरा जन्म यहाँ का है, यहाँ हमने एक एक मेहनत करके हमारे बुज़ुर्गों ने ये बनाया। उसके बाद सरकार और प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वो लोग आते हैं तोड़ दिया, नोटिस लगा दिए, क्या ये तलवार है हमारे गले के ऊपर लगा दी इन्होंने। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है या तो हमें इसकी जगह पे जगह दे या हो सके तो इसी, क्योंकि ये थेड़ में नहीं आता है और ना ही यहाँ पे इस पे ऐसा कोई चीज़ है जो यहाँ पे सरकार चाहती है कि मिलेगी या निकलेगी। जो सरकार को चाहिए था वो ले चुकी है सरकार ऊपर वाले थेड़। अब नीचे वाला थेड़ सर ये सिर्फ एक साजिश है कि राजनीति के तहत ये उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं अभी हमारे घरों से ना उजाड़ा जाए हमें, क्योंकि हम एक गरीब परिवार से हैं और यहाँ पर जो है जो रोजी रोटी कमाने वाले हैं, डेली दिहाड़ी करने वाले लोग हैं सारे, जिन्होंने मेहनत करके पूरे फैमिली ने मेहनत करके एक एक ईंट लगा के वो घर बनाए हैं और उनको उजड़ने से बचाया जाए। सिरसा के सांसद चरणजीत सिंह रूढ़ी ने कहा कि जो सरकार वालों बड़ी भैड़ी नीत नाल उन्होंने मकान खाली कराने वास्ते जो पिछले लंबे समय तो सिलसिला चलता आ रहा, जिस तरीके पिछे निशानदेही करने वास्ते गए और उन्होंने घर संचेत करने वास्ते गए कि तुम इतों उठ खड़ो, ये सरकार दे गलत तरीके दे नाल सुप्रीम कोर्ट दे हाई कोर्ट दे असी उस कोर्ट नू मनदे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्हां घर से लागू है तो फिर SYL ते क्यों नहीं लागू होंदा? साड़ी मंग है कि उन्होंने घर है जिहड़े वो स्थाई रहन, सरकार अपने फैसले तो पिछे हटे, हाई कोर्ट अपने फैसले तो पिछे हटे ता कि वह बेचारे बच सकन। उन्होंने एक बहुत बड़े दुख की गल है जिहदा अज घर बिगड़दा, अज कर जाता वो पले कख नहीं है, अज सरसे की जनता त्रास त्रास कर रही है। मैं तो हरियाणा सरकार को यही कहूँगा कि अपने फैसले को वापस लैन और उन्होंने उत्थे ही बसण का टाइम दे। वहीं सिरसा के उपायुक्त प्रबोध सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही सर्वे करवाया गया है और 28 एकड़ को खाली करवाया गया है। SPN नैनी जुर्म से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।